ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए मुस्लिम समाज को गुमराह करके उनका नकारात्मक इस्तेमाल कर रही है, जबकि आम मुस्लिम समाज में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कोई रोष नहीं है, क्योंकि इस कानून में नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है जबकि नागरिकता देने का प्रावधान है। ये बात हिमाचल प्रदेश एवं भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रमजान खान ने प्रेस वार्ता में कही। कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए मुस्लिम समाज को गुमराह करके उनका नकारात्मक इस्तेमाल कर रही है, जबकि आम मुस्लिम समाज में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कोई रोष नहीं है, क्योंकि इस कानून में नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है जबकि नागरिकता देने का प्रावधान है। ये बात हिमाचल प्रदेश एवं भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रमजान खान ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राम मंदिर पर आया तब भी मुस्लिम समाज ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा। इसके बाद जब देश की संसद ने धारा 370 को हटाया तब भी मुस्लिम समाज ने संसद द्वारा बनाए गए निर्णय का सम्मान किया और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा। परंतु NRC और नागरिक संशोधन कानून के विषय में कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए मुस्लिम समाज के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश की है, जिसका कि हम कड़े शब्दों में निंदा एवं विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम समाज को पूरी दुनिया के सामने नकारात्मक दिखाने का प्रयास कर रही है, जिसमें कि वह कामयाब नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश एवं भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रमजान खान ने कहा कि देश के मुस्लिम समाज का कांग्रेस द्वारा राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। देश का मुस्लिम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार के साथ है, संसद द्वारा बनाए गए कानून के साथ है और सर्वोच्च न्यायालय पर मुस्लिम समाज पूरा विश्वास रखता है। CAA नागरिकता देने वाला कानून है, न कि नागरिकता लेने वाला। कांग्रेस द्वारा अपने राजनीतिक हित साधने के लिए मुस्लिम समाज के कंधों पर रखकर बंदूक चलाती है तो देश का मुस्लिम समाज कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर भी उतरेगा। हम यही कहना चाहेंगे कि अब देश के मुसलमानों से हम यही अपेक्षा करना चाहेंगे कि आप लोगों का, आपके समाज का, हमारे समाज का, मुस्लिम समाज का कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए नकारात्मक रूप से हम लोगों का इस्तेमाल कर रही है, जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। देश का मुस्लिम देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए देश की सरकार के साथ है, देश के संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के साथ है, देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो भी निर्णय लिए जाते हैं देश का मुस्लिम समाज देश के सर्वोच्च न्यायालय पर, इस न्याय व्यवस्था के ऊपर, इस संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर पूर्ण विश्वास करता है। बिल्कुल, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार भाइयों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिला स्तरों के ऊपर जिस भी तरीके से हम लोगों से प्रयास हो रहा है, हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये समझाया जा सके कि इस कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता को छीना जाए। यह कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिए कानून है और संवैधानिक तरीके से देश, चाहे देश किसी भी धर्म का व्यक्ति जो वो देश में अपनी नागरिकता ले सकता है। इस बहुत सारे कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं। मैंने अभी आप लोगों के बीच में समक्ष में बात रखी थी कि देश में अदनान सामी जी जिनको भारत की नागरिकता दी गई, इसी तरीके से